गाइस, वेलकम बैक टू आरोही सैनी व्लॉग्स। एक बार फिर से वेलकम है आपका आरोही सैनी व्लॉग्स में। आई होप सो आप सब लोग अपने घर में हैप्पी हेल्थी एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज है डे टू हमारा डलहौजी में और आज हम जाने वाले हैं, देखते हैं, सबसे पहले हम जाने वाले हैं खजियार, राइट? खजियार जाने वाले हैं और उसके बाद देखते कहाँ जाएंगे। तो आज का हमारा आउटफिट है ये। आज मैंने ये पहना है, शूज, जींस और टॉप ये मैंने पहना है और बस अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं अपने बाल कर्ल्स करने लगी थी बट कर्ल्स नहीं हुए मुझसे स्ट्रेटनर से, तो बस यही कॉम्ब भी नहीं लाई। ऐसी बाल है देखो, फिर भी स्ट्रेट है ना, तो फिजी फिजी नहीं लग रहे। तो बस अब निकलते हैं और देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। स्टे ट्यून्ड। हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, मेरे को पैर में दर्द हो रहा है। नहीं, हम लोग निकल रहे हैं रेडी। हम व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरा पार्किंग से व्यू दिख रहा है। मैंने बोल रहे हैं हमें यहाँ पे इतना ऊपर यहाँ पे होटल लेना चाहिए था। यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली हम निकल चुके हैं और देखो हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़े उतर के गाड़ी क्लीन करनी पड़ेगी और अभी हमने किसी को लिफ्ट भी दी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। किसी को एक आंटी थी, आंटी नहीं ज़्यादा एजेड नहीं थी, तो वो उन्होंने लिफ्ट ली थी तो अभी उतरी है वो जस्ट। तो अच्छा, और यहाँ के रोड इतने नीट एंड क्लीन है ना, और बीच में एक स्कूल पड़ा था डलहौजी पब्लिक स्कूल, मतलब उसमें मोस्टली सारे पंजाबी लोग थे। तो बनी ने बताया यहाँ पे मतलब बाहर से ना पढ़ने आते, जैसे बोर्डिंग स्कूल टाइप होता है वैसे, तो बहुत सुंदर रोड बना हुआ था। तो बस अब खजियार के लिए हम निकल चुके हैं जिसे हम बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ से 17 किलोमीटर, मतलब हमारे जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और अभी बचा है सिर्फ 16 किलोमीटर। सो देखते हैं वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और अभी निकली हुई है धूप तो वेदर भी अच्छा है, कल नाइट में ज़्यादा ठंड थी बट अब ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली मतलब अप्रैल में हमारी CNG खत्म हो गई, अब खत्म हुई है, चलो आधी ट्रिप हमारी हो गई। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, बर्फ मिल गई फाइनली। और मार्च में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी और अब ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड चल रहा है, तो मतलब ऊपर हमें शायद बर्फ मिल सकती है ना, थोड़ी बहुत मिल सकती है। हाँ, और यहाँ की रोड, ओ माई गॉड, हेवन है हेवन। तो आप भी बजट फुल ट्रिप है, आप प्लान कर सकते हो आने के लिए। अप्रैल तो ख़त्म ही होने वाला है, मई जून जुलाई के 3 मंथ्स तो यहाँ का वेदर और भी बहुत अच्छा होता है। तो अपना प्लान करो, आओ, बजट फुल ट्रिप है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है। 10,000 में ज़्यादा बता रही हूँ, 10,000 मान के चलो, आपका 2-3 दिन का डे का पूरा प्लान हो जाएगा ट्रिप ईजीली, आपका होटल खाना पीना सब हो जाएगा। और मिस मत करो, आ जाओ जल्दी से। और बस मैं हाँ बताना भूल गई थी कि चैनल को जाके सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप व्लॉग तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक शेयर कमेंट। और अभी हम रुकने वाले हैं यहाँ पे व्यू के लिए और थोड़ी फोटोज और वीडियोस बनवाएंगे, तो बस स्टे ट्यून्ड। और पेट में लगी है बहुत तेज भूख, पेट में लगती है वैसे तो। बर्फ के पहाड़। लोग फाइनली पहुंच गए हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, देखते हैं अभी कहाँ पे क्या है। और मेरी बैटरी लो हो गई है, मुझे वोमिट जैसा फील हो रहा है, चार्जिंग में लगाओ ना ये। हाँ वोमिट जैसा फील हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे लेमन वगैरह कुछ मिलेगा तो सबसे पहले वही पीना है और ब्रेकफास्ट भी करना है, भूख भी लगी है। पैराग्लाइडिंग करूंगी, पैराग्लाइडिंग मेरे को करनी है ना, कुछ खा के करनी है ना, मैं सब कर सकती हूँ, आई एम अ पावरफुल वुमन। वी आर रीच्ड इन खजियार, मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड। दिखाती हूँ मैं भी, अभी हमने गाड़ी अपनी पार्क की है और
मेरी मैं, मेरे बू बू पीछे देखो, हाँ कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। सी दिस इज अ मिनी स्विट्जरलैंड, यहाँ पे शूटिंग भी हुई है ना किसी की। रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, अभी वो वॉशरूम गया और यहाँ पर हम रुक गए, कुछ खाएंगे पहले उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। हमने ये मंगाया है ग्रिल सैंडविच, आलू का पराठा मंगाया, आलू और ऑनियन का, और टी, देखते टेस्ट कैसा है। यहाँ पे आके कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। ओके ओके थोड़ी थोड़ी है वो, क्या चटनी टेस्टी है। हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वो थक गए के जा रहे हैं, देखो हम कैसे चढ़ रहे हैं सारे। किंग करते हुए हालत खराब है, नीचे से आए हम, देखो ऊपर जाना हमने। गाइस ऊपर से जाके क्या व्यू दिखता है, ऑसम। मुझे डर भी लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा, लिटरली मेरी आईज क्लोज हो रही थी और इन्होंने पूरा पैराशूट घुमा दिया था। बट डर गई थी, मैंने कहा भैया अब चलो वापस, मतलब वो जो 10 मिनट होते हैं ना, ऐसा लगता है यार क्या जी रहे हो आप। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड से, हमने पैराग्लाइडिंग भी की और बहुत चीज़ें इंजॉय की, फ़ोटोशूट भी कराया। बट मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमने कम से कम कितने आधे घंटे की ट्रैकिंग की थी, कितने 15 मिनट की ट्रैकिंग तुमने 2 घंटे में करी है, सुन लिया गाइस। इतना ऊंचा जाना था, मतलब नीचे से लेके ऊंची पहाड़ी तक जाना था। फीड तुम्हारे कैसे आ रही है, मुंडी आधी आ रही है। ऊंची पहाड़ी तक जाना था हमने और मेरी हालत गरम, मेरी आंखों में आंसू, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकती और मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज वाली, पानी भी नहीं था वहाँ पे, ऊपर जाके मुझे वोमिट हो गई फिर, और फिर नीचे उतर के पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड क्या एक्सपीरियंस था। मतलब डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत डर रही थी सच्ची में। वीडियो क्लिप्स डालूंगी इसके अंदर, आप लोग देखना, मैंने फर्स्ट टाइम की थी, इंजॉय किया वैसे तो, और उसके चार्जेस थे वो 3,000 रुपये पर पर्सन बोल रहा था, बट हमने डिस्काउंट करवाया थोड़ा सा तो 2,000 रुपये पर पर्सन बोला उसने। तो हमने, हम दोनों ने, पहले मैं करने वाली थी अकेले, फिर ये नीचे अकेले उतर कर आते तो फिर हम दोनों ने ही कर ली, और फिर उसमें हमने फोटो वीडियो भी बनवाई थी तो उसके 500 चार्जेस उसने अलग ले लिए, वो भी 800 रुपये पर पर्सन बोल रहा था, बट 1,000 में हमने 2 पर्सन के करवा लिए। तो एक्सपीरियंस अच्छा था मिनी स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर बारिश होने लगी थी तो हमने कब निकलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं, कहाँ चलना है तो वही बस, और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। देखो गाड़ी चलाने नहीं आ रही लोगों को और पहाड़ों पे आ जाते हैं फिर। हाँ तो फिर रोक, अब इतनी खुली जगह है यार कैसे रोक सकता है आदमी। अरे वो न्यू लर्नर होगा ना, सीख रहा होगा, इनको गुस्सा क्या, इसको उनको गुस्सा आ रहा है। गाड़ी पहाड़ी पे आ गए, चलाई जाने दी फिर रुक जाएगा, देखो गाड़ी देखते ही डर रहा है सामने से गाड़ी आती डर। ये बात तो सच है, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, इन्हें गाड़ी अपने लेके आनी नहीं चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई।
कैसे हाँ। चला रहा है। इसको बोलो थोड़ा स्पेस दे दे हम निकल ले। सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं थोड़ा हेड ऐसे करके थोड़ा चिल करती हूँ। मेरे को अभी हमने लेमन पानी पिया था, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर मिलते हैं। बड़ों पे यही दिक्कत होती है जब दो गाड़ी आमने सामने आ जाए और छोटा सा रास्ता हो। अब वो गाड़ी पीछे ले गई है, तब ये बस देखो, तब ये बस क्रॉस करेगा। निकाली, चलो इसको आती थी फाइनली। ये पहाड़ों का मेन इशू, लाइन लग गई, अटक गई है गाड़ियाँ। ये बस की वजह से, बस बड़ी होती है ना। ओ माय गॉड, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ जाएगी अब तो। गाइस अब हम आए हैं पंचपुला वाटरफॉल और किंग डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है और फिर वही है। फिर हमने ये बनवाया, मैंने कहा हम फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गए और ये निशानी तो ज़रूर लेके जानी पड़ेगी, तो हमने ये बनवाया था अपने रूम के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था, इसके भी कॉस्ट ज़्यादा मांग रहा था, फिर हमने डिस्काउंट करके उन्होंने बोला लास्ट 400 रुपीज़, तो फिर हमने ये बनवाया।